और इसका इतना गड्ढा है, ये देख सकते हैं इतना गड्ढा, ये रोड है और यहाँ पे देख सकते हैं नाली का पानी है यहाँ पे जमा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी ऐसा स्थिति है रोड का? तो रोड के हालात जो है ना बहुत एकदम जर्जर है, इस तरह के इसमें गड्ढा है, बहुत बड़ी दुर्घटना का जो है ना सामना करना पड़ सकता है। इतना गड्ढा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? ये देखिए इतना गड्ढा है और ये नाली का पानी है। हमको इससे कोई भेदभाव नहीं है भाई, लेकिन हमको चाहिए क्या सुरक्षा सुविधा, और इसको ठीक करने का मांग मैं करता हूँ। हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी मैं एक यूनिक चीज दिखलाने वाला हूँ और जो ये है आप देख सकते हैं पहले, तब उसके बाद मैं कुछ बतलाना चाहूंगा। ये आपका औरंगाबाद से लेकर पटना जाता है ये हाईवे रोड जो कि NH 139 है और इसका स्थिति इतना दयनीय है आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। देखिए ये डंटी है और इसका इतना गड्ढा है, ये देख सकते हैं इतना गड्ढा, ये रोड है और यहाँ पे देख सकते हैं नाली का पानी है यहाँ पे जमा हुआ है जो कि इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और मैं बताया भी था कि ये स्थिति होने वाला है और आज हो गया है भाई। बहुत एक्सीडेंट भी होगा जो कि इसका जिम्मेवार कौन लेने वाला है आप बताइए। आप देख सकते हैं ये सब नाली का पानी है, कोई बरसाती पानी नहीं है। अभी बिहार में पानी भी उतना नहीं बरस रहा है कि बरसात का पानी जमा होगा, ये नाला का पानी है और यहीं पे इकट्ठा रहता है जिसके कारणवश ये रोड का स्थिति हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये जितना भी गिट्टी वगैरह है इसमें से निकल करके इकट्ठा किनारे कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि गाड़ी आता है तो एक्सीडेंट होगा तो बहुत ही दुख की बात है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी ऐसा स्थिति है रोड का? तो रोड के हालात जो है ना बहुत एकदम जर्जर है, इस तरह के इसमें गड्ढा है, बहुत बड़ी दुर्घटना का जो है ना सामना करना पड़ सकता है। ये सब जो रोड है ये सब का रोड का निर्माण हमारे बिहार राज्य सरकार करवाता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुसार? इस रोड को जैसा कि बताया जाता है NH का दर्जा मिला है, फिर भी जो है इस तरह के गड्ढे देखकर पब्लिक की परेशानियों को देखकर शर्म आती है कि सरकार क्या करती है। तो सरकार को चाहिए कि सभी बातों पर जो है ध्यान दें। अब बिहार में विकास की जब बात होती है तो सरकार बदल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं पर भी सरकार अगर स्थायी होती है तभी जो है राज्य का जो है विकास होता है। यहाँ पर हमको तो देखने में नहीं लग रहा है कि रोड है, रोड में ही जो है इतना बड़ा गड्ढा होना शर्मनाक की बात है। तो इनका भी कहना है कि रोड में जो गड्ढा है इससे हादसा हो सकता है और जो कि बहुत बड़ी हादसा का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं ये ओबरा का सरकारी ब्लॉक है, यहाँ पे देखिए ये ओबरा का सरकारी ब्लॉक है, सरकारी ब्लॉक के सामने ये स्थिति है कि मैं पहले इसका वीडियो में बना चुका हूँ लेकिन कोई इसका रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग अब आप में दोषी है क्योंकि हम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और उन लोगों तक नहीं पहुँचा पाते हैं जो इसका सुधार कर सके। तो कम से कम ओबरा के रह करके भैया शेयर कीजिए इसको, अपना सुधार होगा। बताइए इतना गड्ढा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? ये देखिए इतना गड्ढा है और ये नाली का पानी है। हमको इससे कोई भेदभाव नहीं है भाई, लेकिन हमको चाहिए क्या सुरक्षा सुविधा, और इसको ठीक करने का मांग मैं करता हूँ। तो कम से कम सुधार कीजिए। देखिए कितना गाड़ी चल रहा है यहाँ पे, और अभी बिहार में 12 का एग्जाम चल रहा है। अब बताइए कहीं ना कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड तो जाम हो जाएगा और दूसरे जगह से अगर स्टूडेंट लोग एग्जाम देने आएंगे तो कहेंगे कि अभी एंट्री आपको नहीं मिलेगा, तो उन लोग का एक साल बर्बाद ना हो गया जी। 5 मिनट अगर लेट हो जा रहा है तो बिहार सरकार क्या कर रहा है कि उन लोगों को एग्जाम नहीं देने दे रही है। क्यों? क्योंकि आप लेट हैं। तो भैया जब लेट क्यों होगा? जब आपका रोड सही होगा, आपका जाम नहीं लगेगा, अतिक्रमण नहीं रहेगा, तो कम से कम समय से बच्चा पहुंचेगा ना जी आपका। देखिए ना ऐसे तो नाली का स्थिति है, दिखा दीजिए कैमरा मैन पूरा। ऐसा रहेगा तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है, कृपया कर इसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। औरंगाबाद से पटना रोड जोड़ता है और जब कोई भी मंत्री आता है, कोई नेता लोग आते हैं तो ऐसा ऐसा गढ़वा कहता है ना बाबू कि इसको तोप दिया जाता है, भर दिया जाता है, और जैसे ही उन लोग जाते हैं तो फिर कोई ध्यान नहीं रहता ऐसा ऐसा रोड को लेकर के, समझे आप।
और ऐसा यहीं पे नहीं गड्ढा है, ये आपको मान लीजिए कि औरंगाबाद से लेकर के दाउनगर तक जाइएगा या पटना तक भी कहिए, इस रोड का स्थिति पूरा खराब है। जहाँ जाइएगा इसी तरह का आपको स्थिति मिलेगा। इतना रोड का दयनीय स्थिति है, सामने से आप दिखला दीजिए कि स्टोन हिल एक स्कूल है और स्कूल के बच्चे लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और स्कूल के सामने ये स्थिति है तो बच्चे लोग क्या सीखेंगे, बच्चे लोग के दिमाग में क्या चलेगा कि हमारा बिहार ऐसे ही है, हमारा बिहार पिछड़ा था पिछड़ा है, इसका कोई विकास नहीं होने वाला है, ये ना दिमाग में चलेगा। भाई आइए मैं दिखलाने वाला हूँ, वहाँ पर भी स्थिति बहुत बड़ा गड्ढा है, ये देखिए ये कितना इसका हाथ है, कितना ये गड्ढा है और इसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जो भी गाड़ी आता है, डंपर आता है, इसको धीमी गति करना पड़ जाता है, एक बैक धीमी गति करना पड़ता है, जिसके कारण वह इसका टायर भी ब्लास्ट कर सकता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रोड का सुधार जरूरी मांगता है। कृपया कर इसको शेयर करें, बहुत जरूरी है। जय हिंद दोस्तों।